समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। समाजवादी छात्र सपा नेता मुकेश यादव द्वारा आयोजित युवा सांसद विचार गोष्ठी का आयोजन रविवार को अमेठी में निजी होटल में आयोजित की गई संगोष्ठी में युवाओं के लिए रोजगार के अधिकार पर चर्चा की गई। संगोष्ठी की मुख्य अतिथि के रूप में जूही सिंह, पूर्व अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश, ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अमेठी में रोजगार और छात्रों को जोड़ने के विषय पर विचार विमर्श होना बहुत आवश्यक था। बड़े बड़े लोगों ने अमेठी में उपस्थित दर्ज कराई है और यहाँ पर चुनाव लड़कर जीतकर एहसान करके छोड़ देते थे। हम यहाँ वापस आए हैं, हमें समाजवादी छात्रों ने यहाँ बुलाया है। समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संवेदनशीलता सदा समाजवादी छात्रों के साथ रहा है। पत्रकारों द्वारा संजय सिंह की बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए जूही सिंह ने कहा कि यह तो चलता रहता है, 2011 में भी शामिल हुए, उसके पहले भी शामिल होते रहते हैं। बीजेपी पर कमेंट करते हुए कहा कि बीजेपी के पास स्पेशल डिटर्जेंट है जिससे बीजेपी में जाने के बाद सब साफ हो जाते हैं। यह उनकी ईमानदारी है, हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। काले झंडे दिखाने के सवाल पर जवाब देते हुए सपा कार्यकर्ता योगी सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते हैं और इसलिए उनको काला झंडा दिखाते हैं, लेकिन काला रंग उनको पसंद नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डलवा देते हैं, विश्वविद्यालय नहीं जाने देते। यह करेंगे तो फिर से काला झंडा दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता के रूप में महेंद्र मिश्रा, संस्थापक समाजवादी अध्ययन केंद्र, कार्यक्रम के अध्यक्षता छोटेलाल यादव, जिला उपाध्यक्ष पहा आशुतोष वर्मा, पूर्व मीडिया पैनलिस्ट पहा, विशिष्ट अतिथि के रूप में रजनी भारती सदस्य समाजवादी पार्टी तथा कार्यक्रम का संचालन राजा सिंह तथा जिला अध्यक्ष लाहौरिया वाहनी द्वारा किया गया, जिस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सपा युवा छात्र मौजूद रहे। क्योंकि अमेठी में रोजगार और छात्रों को जोड़ने के विषय पर विचार विमर्श होना बहुत आवश्यक था। एक VIP कंस्टिट्यूएंसी रही है, इसको बड़े बड़े लोगों ने रिप्रेजेंट किया है और इसका इस्तेमाल किया है सांसद बनने के लिए। तो अब समाजवादी पार्टी जो पहले कई कंस्टिट्यूएंसीज में लड़ती थी लेकिन लोगों पर एहसान कर छोड़ देती थी, हम वापस आए हैं और समाजवादी छात्रों ने हमें यहाँ बुलाया है छात्रों की बात सुनने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की संवेदनशीलता और साथ हमेशा छात्रों और युवाओं के साथ रहा है, उनकी हर समस्याओं को हम सुनेंगे और उसका एक समाधान अवश्य ढूंढेंगे। क्या कारण है कि लगातार लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, अभी संजय सेठ भी शामिल हुए हैं? ये तो चलता रहता है, 2011 में भी शामिल हुए थे, उसके पहले भी शामिल हुए थे। वैसे बीजेपी के पास बीजेपी के पास एक स्पेशल डिटर्जेंट है जो हर चुनाव से पहले वो इस्तेमाल करती है, लोग उसमें धुलकर साफ हो जाते हैं, ये उनकी ईमानदारी है, हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, और काला झंडा जरूर दिखा रहे हैं, दिखाने की आगे कोई ऐसी प्लान नहीं है, लेकिन अभी 9 अगस्त को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन होंगे, हो सकता है काला झंडा उसमें दिखे और मुख्यमंत्री को काला झंडा स्वीकार करना चाहिए एक सकारात्मक विरोध के रूप में, लेकिन काला रंग उनको पसंद नहीं है, लोगों को जेल में डलवा देते हैं, विश्वविद्यालय नहीं जाने देते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा लेती है, ये करेंगे तो फिर काला झंडा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।